देखे रैन स्लाइड लेके आई और अचानक मेरी नजर पड़ी है ये किसी लड़की के कपड़े अटका के। देखना बाबा ने कहा था हर हफ्ते बाद इसके टायर को अच्छी तरह धोने और ऑयल लगाने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सैर्स क्रेजी वर्ल्ड में और मैं हूँ जी आपकी हो सैरी शीशपा। तो एक नए दिन में नए व्लॉग में कुछ नई बातों नई चीजों के साथ हो गई हूँ मैं हाजिर। टाना खैर टाइम मैं आपको बता देती हूँ, टाइम आज ये 3 बज रहे हैं। खैर अब उठ चुके थे और बच्चे भाग गए बाहर सन लेने, आज थोड़ी सी सर्दी है घर अंदर से ठंडे हैं लेकिन बाहर वेदर बहुत चेंज हो गया, बाहर फुल सनी डे है। तो जो कि आजकल मेरी रूटीन बनी हुई है कि बच्चे उठते हैं इनको नाश्ता करवा के मैं ले जाती हूँ पार्क में, थोड़ा सा खिला के वहाँ पे घंटा डेढ़ घंटा फिर मैं वापस लेकर आती हूँ ताकि ये एनर्जेटिक हों और टीवी की जान छोड़े, क्योंकि इनको इतनी हैबिट हो गई थी हर वक्त टीवी ड्रामास कार्टून्स और फिर कोई ना कोई मूवी। तो मैंने सोचा कि ये इस तरह तो इनकी आईसाइट भी वीक हो जाएगी और दूसरा बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है हर वक्त बैठे रहना, सो के उठते भी टीवी, रात को सोने तक टीवी। तो अब मैंने ये रूटीन बना ली हुई है काफ़ी दिनों से कि मैं इन्हें पार्क ले जाती हूँ, वहाँ पे खिलाती हूँ, थोड़ा सा इंजॉय करवाती हूँ, फिर लेकर आती हूँ ताकि हेल्दी हों, इनको भूख भी ज़्यादा लगे और इनका ब्रेन भी ज़्यादा काम करे। बाहर निकलेंगे जाहिर है दरख्त देखेंगे, पौधे ग्रास वगैरह देखेंगे तो बच्चा जो है वो इनर्जेटिक और हेल्दी होता है। तो इसलिए अब इनके लिए मुझे इतनी एफर्ट करनी पड़ती है कि इतने टफ टाइम टेबल में से भी मैं टाइम निकालती हूँ और इनको मैं लेकर जाती हूँ। तो खैर बच्चों से आपको मिलवाती हूँ और फिर सारा दिन जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। ये देखे नहीं, मैंने कहा आपको बच्चे दिखाऊं। हमदा सारिम भी यही कहेंगे, सारिम का है हमदा, ये हुरैन है और इतना फुल सनी डे है, ओए होए कुछ नजर ही नहीं आ रहा मुझे, तो सारिम भी नहीं नजर आ रहा, वो आ गया सारिम। सारिम को मैंने भेजा था कि हुरैन की ब्रेड ले, हुरैन कुछ भी नहीं खा रही, इतना तंग आ रही थी। तो अब हुरैन की ब्रेड लेकर आया, मैंने कहा इसको मेयोनीज लगा के सैंडविच बना के देती हूँ तो फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ना ब्रेड ले रही है ना वो राइस खा रही है, कोई चीज़ नहीं खा रही, कहते मेरा दिल ही नहीं कर रहा, सो दैट्स वाई। और सारी जो है वो बाहर, मैं उससे भी आपको भी मिलवाती हूँ। ओके जी, ये हुरैन का सैंडविच मैंने रेडी कर लिया अंदर मेयोनीज लगा कर, तो ये उसको देते हैं हम और साथ में उससे आपको भी मैं मिलवाती हूँ और सारी से भी मंगवाती हूँ। सारिम आओ, हेलो, वो पार्टी नहीं आपका रिकॉर्ड हुआ था, आप दोबारा से आ जाओ। ये लो रैन, रैन की ब्रेड लेके आया भैया। हाँ जी सलाम ले लो, सलाम, आपकी एंट्री हो गई है व्लॉग में। तो सारिम कितनी धूप है ना, इट्स सो सनी डे। दो जी सारिम चला गया अपने दोस्तों के साथ मस्तियाँ करने। ओ देखो ये क्या, विकेट पकड़ के भाग रहे हो हैं? विकेट का डंडा है ना। सारिम के अंदर का एक जिन जो है वो जाग रहा है। जिन हूँ मैं, जिन हूँ। हम लोग आए हुए हैं पार्क में और इतनी धूप है कि मुझसे वॉक नहीं की जा रही, चुभ रही है धूप, चुभ रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं मैंने पहने, स्वेटर भी नहीं पहना, लेकिन शायद हम जल्दी आ गए। वैसे तो 4:30-5 का टाइम है लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा धूप है, इतनी सनी डे है। बच्चों ने स्वेटर जिन्होंने पहने बेचारों का पता क्या हाल हो रहा होगा। ये देखें ये सारी खेल रहा है यहाँ पे, हमदा उसको बॉल्स करवा रही है। हुरैन वहाँ गई हुई है पानी लेने, उसको प्यास लग गई है और इतनी डस्ट उड़ रही है कि ना मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरे नाक में मिट्टी चली है। डस्ट एलर्जी भी है मुझे, तो बस ऐसे हवा चल रही है और मिट्टी उड़ रही है। और वॉक करने की कोशिश की है मैंने, 2-3 चक्कर लगाए हैं और मुझे तो सुइयाँ नहीं चुभती जाते, उस तरह से हो रहा है। ये मैं नैनो आ गई पानी लेके, आ जाओ। आपको गर्मी नहीं लग रही? लग रही है। पसीना आया हुआ है? लग रही है। ओए होए, चलो पानी दूँ अपने बेटे को मैं, बबलू को। देखे रैन स्लाइड लेके आई और अचानक मेरी नजर पड़ी है, ये किसी लड़की के कपड़े अटका के आई हो, क्या किया है? टॉप्स नहीं, इधर आओ। मैं तो इलामा इकबाल, ठहरो, शुक्र है हल्का से ही अटका हुआ था हुरैन, ज्यादा नहीं था। ये देखो, हाँ जी, ये ब्लड भी निकल सकता था अगर ज्यादा खींचा जाता आपका कान, तो क्यों ऐसे काम करती हो?
मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, और मैंने किया है। और ये देखें, सारी सारी मेरी तरफ देख रहा है कि मम्मा मुझे ले ले कैमरा में। वाह, व्हाट अ गुड शॉट सारी, गुड शॉट। हाँ जी हाँ जी, ग्राउंड से बाहर बॉल जाती है जब सारिम खेलता है तो। ठीक है, मैं आपको जूम करती हूँ। ये देखो सारिम, हाथी ला दो, हाथी ला दो, हाथी ला दो। सारिम वैसे काफी दूर है मुझसे, लेकिन चलो जी। ओए, फाउल फाउल फाउल। अब मैं ना लगी हूँ साइकिल चलाने यहाँ पे। सारिम की हम दवाली चलाती हूँ यहाँ पे, बहुत सारी लड़कियाँ चला रही है। मैं आपको कोई नजर आती है ना तो दिखाती हूँ। तो बहुत सारे लोग चला रहे हैं साइकिल। ये लो जी, एक और बॉल देख लें प्लीज। वेरी गुड, गुड शॉट सारिम। मैंने आपकी साइकिल चलानी है, मुझे दे दो। चलो मेरी प्यारी साइकिल, पता नहीं आइंदा मुलाकात हो। होगी क्यों नहीं होगी, मैं कौन सा तोड़ने लगी हूँ। चलाक कितना है, चलाकों की जगह नहीं है हमारे व्लॉग में। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं ट्रैक पे चलाओ। नहीं साइकिल को कोई मसला है सारी, मैंने बताया ना कैसे चलाई है, जोर से चलती है। ये देखें गाइस, हम घर से ना नमक परे लेके आए हैं और बिस्किट भी लेकर आए हैं। बिस्किट भी निकाल लो, निकाल ले, बैग में पड़े हैं। जीरा प्लस गोल्डन, गोल्डन जीरा है, जीरा प्लस नहीं है। चलो खाते हैं सारे मम्मा, आ जाओ। गोल्डन जीरा प्लस आज के ब्लॉग का टाइटल, गोल्डन जीरा प्लस आज के ब्लॉग का टाइटल। और हुरैन का क्या टाइटल? साइकिल बहुत जोर लगा, मेरी तो टांगे रह गई हैं। बहुत सारी मिस्सी, इसको ऑयल लगाने वाला है, ऑयल लगाने वाली है ये। बाबा ने सही नहीं है, कभी लगवा के दी थी ना, बाबा ने कहा था हर हफ्ते बाद इसके टायर को अच्छी तरह धोने और ऑयल लगाने। मुझे देख लो 3 महीने हो गए इस पूरी साइकिल, इसीलिए नहीं मुझसे चल रही थी, बहुत जोर लग रहा था। नहीं पानी मेरे 3 महीने से, बल्कि उससे भी पहले की धोई नहीं है, इसीलिए जब से ली थी ना इसकी देखो प्यास ही नहीं बुझ रही यार। जब से टायर लगवाया एक दफा धोई थी। चलो ठीक है, हमदा भी आ गया। हम देखो हाँ जी, हम दक साइकिल बहुत अच्छी, थोड़ी सी पीछे कर दो मेरी गोद में, यहाँ रखो मेरी गोद में ला के, नलाई को ला मेरी। हाँ जी, वेन कट पे कट लग गया, यही ब्लॉग का टाइटल होगा। ब्लड भी निकले अभी गाइस, को इतने वेले है तुम लोग की बोलिया देखेंगे। पानी खुद ही लो सारी, हद नहीं हो गई है। मैं तो ये खाने लगी हूँ, कोई बोतल नहीं दे रहा। मेरे पांव जवाब कितनी आ जाओ ना, मेरे पांव जवाब दे गए। हाँ, तेरा एक ट्री लगा हुआ है तो बच्चे उस ट्री को देख के कह रहे हैं कि मम्मा बेर लगे हुए हैं। हमदा ने सबसे पहले देखा, मैं कहा ये बेर नहीं है, ये देखे, मैं कहा ये बेर नहीं है, ये ना कोई फ्रूट ही है इस ट्री का, ये बेर थोड़ी ऐसे होते हैं। स्ट्रॉबेरी नहीं है ये, इसका कोई अपना ही फ्रूट है, इसमें इसका बीज होगा जो नीचे जमीन पे देखो ऐसे गिरेगा और फिर उससे नए ट्री उगाएगा। ये वो नहीं है, दिखाओ इधर लेके आओ मेरे पास, बेर थोड़ी होता है ऐसा। लो ये बेर थोड़ी है, हमारे स्कूल में लगे होते थे ना, लेकिन इसके अंदर इसका सीड है, इसको खोले, इसके अंदर से सीड निकलता है। ओपन करो सारी में इसको जरा, नहीं नहीं हम हाथ से ही ओपन कर लो, मुँह में नहीं डालते ऐसी कोई भी चीज, कड़वी भी हो सकती है और पॉइजनस भी हो सकती है। कहती कैट आएगी तो उसको बिस्किट डाल दूंगी, बिस्किट खा नहीं रही। उठाओ नीचे से बिस्किट, मम्मा मैं ट्रैक से जा रही हूं। दिखा हुआ नहीं ओपन सारिम से, तो ओपन ही नहीं हो पा रहा, किसी काम का नहीं है सारिम, तू तो फारी ही है। दिखाओ, हाँ जैसे गुठली की तरह वाइट सा है। चलो ठीक है, चलो बस अब जाने की तैयारी करो, घर चले, थक गई हूँ मैं। ट्रैक से एक राउंड लगाऊं, चाय शाय पिए जाके? हाँ ट्रैक से एक राउंड, एक राउंड आप तब तक बैठ लगाओ जल्दी से। वो देखो ट्रैक पे चल गए और बच्चे भी साइकिल चला रहे, वो हम दा गए और ये गया सारी। A few moments later. जैसे हम लोग आ गए थे घर वापस, आके हमने चाय शाय भी पी ली थी और अब काफी टाइम गुजर चुका है, बच्चों ने मगरिब पढ़ी, अब ईशा भी पढ़ ली है तकरीबन, सारिम पढ़ रहा है, हमदा ने पढ़ ली है,
खैर अब मैं बच्चों को देने लगी थी खाना, तो मैंने कहा खाना आपको दिखाती हूँ। खाने में आज हम अभी कर रहे हैं समेटू। सुबह बच्चों ने नान चने खाए थे, वो शायद मैंने नहीं दिखाया, लेकिन अब मैंने कहा आपको मैं दही भल्ले और राइस दिखा देती हूँ। तो जी ये सारी की प्लेट रेडी कर दिया मैंने, जी नैनो का बाउल रेडी कर दिया है। तो खैर इन्हें मैं खाना शाना खिला लूँ और हम दापना ले गई है, तो खाना शाना खा ले आपसे मिलते हैं। अरे दही भले लाजमी खाने हैं, जिसने दही भले नहीं खाने उसने खाना नहीं खाना। सोच लो अब, जल्दी सोचो, दो मिनट है तेरे पास। नहीं खाना। टिक 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 चल जा, फिर खाना ही नहीं खाना। सारिम ने कहा आज खाना नहीं खाना, मैं हमदा हुरैन और बाबा खाएंगे। ठीक हो गया सारिम? अब नहीं बोलेगा। दही भल्लों से इसको बड़ा वो होता है कि दही ना हो। खैर मैं तो खाने लगी हूँ, ये कुत्ती ये देखना यही खाएगा, ये अभी आता है ना इसको, फिर यही खाएगी। और आज की अच्छी बात तो बच्चों ने बताई ही नहीं, पाक जाके ना इनके जो ब्रेन है वो खत्म हो जाते हैं, वहाँ खेल के आके इतना थक जाते हैं। आज तो कहते हैं थक थक के हमारा कोई हाल ही नहीं, सारे से हिल नहीं हो रहा, इतना थका हुआ है। अब कल ना जाना रेस्ट करना, ठीक है? और फिर हाँ संडे को भी यहाँ पे खेल लेना और मंडे को स्कूल जाना है, अल्लाह खैर करे। हाँ जी ये देखेंगे आगे दे आगे। क्या हुआ? आगे आगे जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब नो छुट्टियाँ, अब स्कूल ही स्कूल, प्लीज कर दो। नो नो, तो मेरी उनसे स्कूल वालों से अपील है, गुजारिश है कि प्लीज छुट्टियाँ ना क्या करें। नहीं हम, मैं उन्हें कह दूंगी कि मेरी आपसे अपील है, हमें ऐसी छुट्टियां नहीं चाहिए। और ये जी कपड़े थोड़े से तय किए हैं, धुले हुए थे, कुछ प्रेस होके आए थे, धोबी से, तो ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये जी मैं हूँ, बस अब मैंने लगी थी लटाने। और आज की अच्छी बात तो इन्हें कोई आती नहीं होगी, क्योंकि ये तो ले ही नहीं है स्कूल। आज की अच्छी बात मैं आती हूँ, आज की अच्छी बात मैं आता देती हूँ। नहीं अपने मामा को तंग नहीं करते, और मामा चेक नहीं है, देख सराने फोर बबल्स रखी, रात को नहीं खाते हम दा। नहीं खा रही। बस अब लेटने की, मेरा बेटा तैयारी करो। डोंट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मार्शल आर्ट्स आ गया अभी। ओ माय गॉड, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल चलो अभी गुड नाइट करने लगे। चलो ठीक है गाइस, इनका तो ये सारा सिस्टम चलता ही रहना, अभी इन्होंने लेटते लेटते भी घंटा डेढ़ लगा देना है। लेकिन खैर उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना आपने नहीं भूलना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।